हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए, वीकनेस को दूर करने के लिए, अगर आपकी नसों में कमजोरी आ चुकी है, मांसपेशियों में कमजोरी आ चुकी है, हड्डियों में कमजोरी आ चुकी है, इन कमजोरी को शरीर से बाहर करने के लिए, शरीर को एनर्जेटिक करने के लिए कौन सी चीज फायदेमंद है। दोस्तों, आयुर्वेद में एक बात कही गई है कि अदरक से कहीं ज्यादा फायदेमंद है सौंठ, और ऐसी ही एक और चीज है जो अपने ताजे रूप से सूखी हुई ज्यादा फायदेमंद है। तो आज इसी वीडियो में उसके फायदों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आपको भी कहीं ऐसे लगता है कि मोटापा ही हमारी बीमारियों का कारण है और आप इस चीज को मानते हैं, जो कि एक फैक्ट है, तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप मुझे यस लिख कर दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि फैट को रिड्यूस कैसे करना है, कैसे बर्न करना है और मसल को कैसे इंक्रीज करना है। इसके अलावा अगर आप बहुत पतले हैं और अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, मस्कुलर बॉडी चाहते हैं, तब भी आप यस लिख कर जरूर भेजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं आयुर्वेद की एक ऐसी कमाल की औषधि की जो औषधि भी है और हम उसे वैसे भी खाते हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्दी भी रखेगी और एनर्जेटिक भी रखेगी। वो साधारण सी चीज है किशमिश। आपने अंगूर तो बहुत खाए होंगे, किशमिश भी खाई। दोस्तों, आयुर्वेद में ग्रंथों में ये कहा गया है कि किशमिश अंगूर से कई गुना ज्यादा फायदेमंद है। अंगूर के मौसम में आप अंगूर खाते होंगे, लेकिन अगर आप किशमिश खाना शुरू कर दें और रेगुलर बेस पर खाएं तो बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो चलिए उन फायदों की लिस्ट में आज आपको बता देती हूँ, ताकि आप इसे सही मात्रा में और रेगुलर खाना शुरू करें, ताकि बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाए। सबसे पहले, अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचता है तो किशमिश खाना शुरू कर दीजिए। खाना अच्छे से पचने लग जाएगा, किस तरीके से खानी है आपको जरूर बताऊंगी। खाना नहीं पचना यानी कि हमारा गट सिस्टम खराब है, पेट ऐसे साफ नहीं हो रहा, कब्ज रहती है, पेट की सारी समस्याएं। केवल आपको 10 किशमिश रात को भिगो देनी है और उन 10 किशमिश को आपको सुबह उठकर खा लेना है। आप चाहे तो पानी पी लें, अगर नहीं पीना चाहते तो कोई जरूरी नहीं है। आपका पाचन तंत्र सही नहीं है तो इस कारण से हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा लीवर अच्छे से काम नहीं करता, और कुछ लोगों को इसके कारण फैटी लीवर की प्रॉब्लम या लीवर सोराइसिस हो जाता है। खाना अच्छे से नहीं पचता, खाना खाने के बाद ब्लॉटिंग महसूस होती है या खाना बाहर की तरफ आता है। ऐसा अगर लंबे समय तक चलता रहे, यानी लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, डाइजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा, खाना पच नहीं रहा, तो हमारी पेनक्रियाज भी ढीली पड़ जाती हैं और सही से काम नहीं कर पाती। और पेनक्रियाज आप जानते ही हैं, हमारी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे द्वारा खाए गए अनाज को या फिर हम जो भी चीज खाते हैं उनमें जितनी भी शुगर की मात्रा होती है, उन्हें ये पेनक्रियाज से हम खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं किसी भी तरह का, तो यही मीठा हमारे खून में घुलकर शुगर पेशेंट बना देता है। तो दोस्तों, इसके अलावा किशमिश के और क्या फायदे हैं? ये हमारी त्वचा को निखारती है, त्वचा पर चमक लाती है, एनर्जी से भरपूर कर देती है हमारी बॉडी को, ये शरीर के अंदर नई जान डाल देती है। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं और इसका भरपूर फायदा लेते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे लगता है जैसे खड़े खड़े गिर पड़ेंगे। हाई ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा खतरनाक है ये लो ब्लड प्रेशर, ऐसे लगता है कि शरीर पूरा ठंडा पड़ गया है, बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता। व्यक्ति अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो व्यक्ति को, तो उन्हें 20 किशमिश रात को भिगोनी है और सुबह इसका सेवन करना है। सुबह उठकर पानी में भिगो हुई अगर इन किशमिशों को लेता है, और ऊपर से पानी पी सकते नहीं पीना चाहते तो आपकी मर्जी है, तो आपको जिंदगी में कभी भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी, जो कि जानलेवा साबित होती है। मोस्टली इंसान पड़ा पड़ा ही इसमें बीमार हो जाता है और अंत हो जाता है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जल्दी इन्फेक्शन पकड़ जाता है शरीर, बार बार बीमार पड़ जाता है, तो इसे हम इम्यून सिस्टम का लो होना कहते हैं, यानी इम्यूनिटी बड़ी नहीं हुई, लो है। तो ऐसे केस में भी आपको रोजाना 10 किशमिश भिगोई हुई जरूर खानी चाहिए। वो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, हमें अंदर से एनर्जेटिक बनाती है, थकान को तो दूर करती ही है, सुस्ती, थकावट, ये चीजें तो रहने ही नहीं देती। इसके साथ साथ अगर आप किशमिश का सेवन रेगुलर करते हैं, तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, यानी कि खून कम हो जाए, उनकी बॉडी के अंदर खून की मात्रा बढ़ जाए, आयरन कंटेंट बढ़ जाएगा। आयरन अगर कंटेंट बढ़ जाता है तो ये हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल को बढ़ा देता है। रेड ब्लड सेल अगर इनकी बॉडी में ज्यादा है, उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई तो अच्छे से होगी ही होगी, साथ ही साथ खून भी बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा। आप किशमिश के साथ अगर बादाम खाते हैं और साथ में दूध का सेवन करते हैं, तो इसका फायदा आपको और ज्यादा मिलने वाला है। क्या फायदा है आप जानना चाहते हैं दोस्तों? ये हमारी आंखों की रोशनी को तेज करता है, ये हमारी दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। और आज के टाइम पर मेरे पास जितने भी मैसेज आते हैं, उनमें ज्यादातर कमेंट ये होते हैं कि उनकी हड्डियां कमजोर है या फिर उनको मसल पेन होता है, उन्होंने सारे चेकअप करवा लिए। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए आपको एलोपैथिक मेडिसिन या स्टेरॉइड लेना पड़े।
आप इस चीज का सेवन रेगुलर करके देखिए, साधारण समझकर ये मत सोचिएगा कि इसका कौन सा फायदा होगा। दोस्तों अंगूर से कई गुना ज्यादा फायदेमंद है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए आप जरूर इसका सेवन करना है। मैं आपको अंगूर खाने की सलाह नहीं दे रही, लेकिन किशमिश भिगोकर जरूर खाइएगा। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जानकारी अच्छी लगी और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी आप और चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उसकी अपडेट्स मिलते रहे।